जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। जय बोले बाबा जी की। बाबा जी साहब, अब बताइए, हमारे 11 तारीख का रिजर्वेशन है। हाँ जी, हाँ जी। अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, यात्रा एक दो दिन के लिए तो रोकी जाएगी, क्योंकि देखो आपको पता है पानी वानी आया तो काफी वहाँ पे। जी बाबा जी साहब, ठीक है, एक दो दिन रोकी जाएगी, लेकिन बात जी यात्रा बाद में शुरू हो जाएगी। परसों? अब परसों होगी, एक दिन में होगी। मुझे लग रहा है कि दो दिन बाद शुरू कर देंगे यात्रा। दो दिन बाद शुरू हो जाएगी, हाँ उम्मीद है। बाकी जो भी लेटेस्ट एक्चुअली क्या ना, गवर्नमेंट ने अभी कोई भी गाइडलाइन दी है यात्रा को लेकर जी, और जैसे ही गाइडलाइन, आप एक तो स्पीकर बंद कीजिए अपना ना। अच्छा अच्छा, जी जी बाबा साहब। तो जैसे ही गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइन आएंगी, वो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे, ठीक है जी बाबा साहब। जो भी वीडियो की गाइडलाइन आएंगी ना, गवर्नमेंट की गाइडलाइन आएंगी जी, वो सारे अपडेट हम आपको अपने चैनल पे देते रहेंगे। सारी वीडियो डाल रहे हैं ना चैनल पे हम। अच्छा साहब, तो जो भी अपडेट होंगे, यात्रा शुरू हो रही है, क्या हो रहा है, हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ठीक है बाबा साहब। आप तो वापस घर आ गए ना? आज ही पहुंचे प्रभु जी बस। चलो, आपको बहुत बहुत कृपा भगवान की। अच्छा बाबा साहब, एक मिनट बात, क्या हमारा परमिट है 15 और 16 तारीख का। अच्छा जी, यहाँ से हम विदिशा से चलेंगे, 11 तारीख का रिजर्वेशन बाबा। बैग में सब तैयार रखे बाबा साहब। हाँ हाँ, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमने तो सोच दिया कि जम्मू जाके, जम्मू से वैष्णो देवी जाएंगे, नहीं जा होगी देखें जो भी होगा। ठीक है ठीक है, आ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो मतलब हाँ, रास्ता तो खुल जाएगा ना बाबा साहब? प्रभु जी पूरी पूरा उम्मीद है, लेकिन मैं बता तो रहा हूँ अभी क्या हुआ है, वो आपको बता दिया है। सुबह जो भी खबर आएगी वो चैनल पे अपडेट आ जाएगा, हर चीज का अपडेट आ जाएगा। यात्रा जैसे अभी हमें बताया गया है कि सारे यात्रियों को बालटाल और पंचतरणी भेज दिया गया है, गुफा के पास से खाली करा दिया, मौसम साफ है, तो वहाँ पे जो भी व्यवस्था होंगी, टीम आएगी वहाँ पे व्यवस्था बनाएगी। अब गवर्नमेंट को लगा कि व्यवस्था बन गई तो दोबारा यात्रा शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अच्छा, और मौसम सबसे बड़ी बात तो गवर्नमेंट भी क्या करेगी, मौसम के ऊपर है। मौसम ठीक रहेगा तो यात्रा चलती रहेगी, मौसम दोबारा खराब हुआ तो यात्रा वैसे ही बीच बीच में रोकी जाती है, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा अच्छा, बाबा साहब हेलीकॉप्टर से तो लाइन लगना बड़ी मुश्किल की बात है, टिकट मिलना। सर अब देखिए, हेलीकॉप्टर का कैसे व्यवस्था है, ऑनलाइन मिल रहा है, एट ए टाइम क्या कंडीशन होंगी वो देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि नहीं, हम जो सोच रहे थे कि हेलीकॉप्टर का मिल जाता हमें, तो आपका हेलीकॉप्टर वापस हो जाते हैं दर्शन करके क्या? हाँ हाँ, हेलीकॉप्टर सुबह का बुकिंग कराएंगे तो शाम के स्लॉट से वापस हो जाएंगे, शाम को वापस हो जाएंगे उससे। हाँ जी ठीक है। सुबह कितने बजे पहुंचते हैं सर? आप एक बार हेलीकॉप्टर का टिकट जहाँ बुक होता है वेबसाइट पे जाइए, वहाँ देखिए कितने बजे का स्लॉट मिल रहा है। सुबह मिल रहा है 8 से उसके बाद का, तो सुबह का स्लॉट कराइए जाने को। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।